हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप फ्रेंड्स? आज इम्पोर्टेंट चीज़ करवाने वाली हूँ मैं आपको। आपको पता है कि हम जो चैप्टर कर रहे थे वो विशेषण का कर रहे थे, है ना। अब मैंने आपको कहा था कि विशेषण में हम ऐसी चीज़ करेंगे जो आप पहले बहुत ही कम, अगर सुन भी रखा होगा तो बहुत ही कम सुन रखा होगा। हमें पता है कि उद्देश्य और विधेय होते हैं, है ना। उद्देश्य होता है, विधेय होता है। जब हम वाक्य करते हैं ना तो उद्देश्य भी करते हैं, विधेय भी करते हैं। बट उद्देश्य विशेषण भी होता है, विधेय विशेषण भी होता है, ऐसा नहीं सुन रखा। तो चलो सुन लेते हैं भाई इसके बारे में भी। अच्छा चलो, अगर मैं आपको बोलूं कि विशेषण कितने टाइप का होता है तो आप कह दोगे कि प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के। अब आपको पता है कि ये भी अलग अलग बेसिस पे होते हैं। हमने जैसे किया था सर्वनाम किया हमने, कि अलग अलग बेसिस के आधार पर अलग अलग होते हैं, तो ऐसे ही विशेषण जो है ये भी, इसके भी बेसिस अलग अलग हैं। अदरवाइज हम क्या करते हैं कि विशेषण बताओ कि विशेषण के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, है ना। बट बेसिस पर अलग अलग टाइप के होते हैं। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये बता दूं कि विशेषण जो है, अगर पूछा जाए स्थान के आधार पर बताओ विशेषण के टाइप कितने होते हैं। ध्यान रखना है, स्थान के आधार पर विशेषण कितने प्रकार का होता है। स्थान के आधार पर विशेषण के प्रकार बताइए। तो स्थान के आधार पर विशेषण दो प्रकार का होता है, ठीक है। स्थान के आधार पर विशेषण दो प्रकार का होता है। सबसे पहला उद्देश्य विशेषण। अब देखो, उद्देश्य उद्देश्य विशेषण, ठीक है। और सेकंड जो होता है उसको क्या बोला जाता है, विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। अब बात आती है कि ये जो उद्देश्य विशेषण है इसको विशेष्य विशेषण भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? विशेष्य विशेषण, ठीक है। विशेष्य विशेषण भी कह देते हैं। वैसे तो देखा जाए तो विशेष्य की ही तो विशेषता बता रहे हैं, उसको ही तो विशेषण कहा जाता है ना। बट ध्यान रखना, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण दो टाइप के होते हैं। अब ये दो टाइप के होते हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय, तो ये इसका मतलब क्या होता है? उद्देश्य विशेषण क्या होता है और विधेय विशेषण क्या होता है? जिसने सुन रखा है जल्दी से बताओ, और जिसने नहीं सुन रखा, न्यू कॉन्सेप्ट मिल रहा है, वो भी बताओ कि हाँ भाई ये हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है उद्देश्य विशेषण क्या होता है। उद्देश्य विशेषण क्या होता है? जब जो विशेषण, अब देखो हम क्या कहते हैं, मैंने कहा था कि विशेषण जो है वो पहले भी आ जाता है, कई बार हम बाद में भी यूज करते हैं। तो जो पहले विशेषण आ जाता है, पहले मतलब विशेष्य से पहले, तो जहां विशेषण विशेष्य से पहले आ जाता है, जहां विशेषण क्या होता है, विशेषण विशेष्य से पहले आ जाता है, यानी कि बाद में विशेष्य आए और विशेषण पहले आ जाए, ठीक है। जहां विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे भाई उद्देश्य विशेषण। और जहां विशेषण विशेष्य के बाद आए तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे विधेय विशेषण, ठीक है। दोबारा डेफिनेशन बोल देती हूँ। जहां पर विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए, विशेष्य से पहले आ जाए तो उसको बोलते हैं उद्देश्य विशेषण। जहां विशेषण विशेष्य के बाद आए तो उसको बोलते हैं विधेय विशेषण। अभी भी कंफ्यूजन है ना? क्या कंफ्यूजन है कि कैसे पहले आएगा, कब पहले आएगा? बिना एग्जाम्पल के, बिना डेमो के तो हमें समझ नहीं आता है। तो कोई बात नहीं, हम डेमो भी दे देते हैं, मतलब एग्जाम्पल भी दे देते हैं। तो एग्जाम्पल्स, आप देखो उद्देश्य विशेषण क्या होता है। अगर मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं बोल रही हूँ छोटी लड़की नृत्य कर रही है, ध्यान से सुनना, छोटी लड़की नृत्य कर रही है, छोटी लड़की नृत्य कर रही है, ठीक है। छोटी लड़की नृत्य कर रही है। लड़की ये क्या है? विशेषण, सॉरी विशेष्य है। अब विशेष्य से पहले क्या आ गया? छोटी। क्या होगा? ये किसका काम कर रहा है? विशेषण का काम कर रहा है। तो यही तो था,
जहां पर विशेष्य से पहले विशेषण आ जाए तो वो क्या हो जाता है, उद्धेय विशेषण की बात हो रही होती है। अगर मान लो मैं कह देती हूँ भला आदमी, भला आदमी, ठीक है, भला आदमी, आदमी कैसा है, भला है भाई, ठीक है, तो ये क्या है, विशेषण पहले आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण का काम कर रहा है। बट विधेय विशेषण की बात हो तो मैं कहूँ यह ये जो खीरा है ना, खीरा कड़वा है, खीरा कड़वा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, खीरा क्या है, विशेष्य, अब कड़वा क्या है, विशेषण, तो ये किस में आया, विशेष्य के बाद विशेषण आया, तो वहां कौन सी स्थिति होती है, विधेय विशेषण की होती है। ठीक है, अब जल्दी से बताओ भाई, अगर मैंने कहा आम मीठा है, आम मीठा है, आम मीठा है, तो ये क्या होगा, आम क्या है, आम क्या है, विशेष्य का काम कर रहा है ना, आम क्या है, विशेष्य का काम कर रहा है, संज्ञा है ना, ठीक है, और ये क्या आ गया, मीठा, यहाँ पे विशेषण का काम कर रहा है, तो यानी कि विशेष्य के बाद जब विशेषण आएगा तो वो क्या बन जाएगा, विधेय विशेषण। ठीक है, क्लियर हुआ है। अच्छा, अब इसी चीज को मैं एक और बात आपको बताती हूँ, अगर मैं कहूँ कि यह आम मीठा है, ध्यान रखना मैंने बोल दिया यह आम मीठा है, क्लियर, यह आम मीठा है, अब आप कहोगे कि आम क्या है, विशेष्य है, विशेष्य का काम कर रहा है, मीठा क्या है, विशेषण का काम कर रहा है, यह क्या काम कर रहा है, यह भी विशेषण का काम कर रहा है, बट यह कौन सा, ध्यान, हमने किया था सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण किया था, सर्वनाम कब आ जाए, यानी कि संज्ञा से पहले जब सर्वनाम आ जाए तो वो सार्वनामिक विशेषण का काम करेगा, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। बट एक और चीज मैं पूछ रही हूँ, विधेय विशेषण, तो ये मीठा जब यहाँ पे आ रहा है, विशेषण का काम कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विधेय विशेषण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विधेय विशेषण बोलेंगे। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि उद्देश्य विशेषण क्या होता है और विधेय विशेषण क्या होता है, तो जल्दी से मुझे एक बात बताना। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछ के जाती हूँ, आप इसका आंसर बताना, अगर मैं कहूँ मोहन अच्छा लड़का है, ठीक है, मोहन अच्छा लड़का है, तो इसका मैं आंसर नेक्स्ट में दूंगी, तो मोहन अच्छा लड़का है, इसमें आप मुझे ये बताओ विशेष्य कौन सा है, विशेष्य कौन सा है और विशेषण कौन सा है, फिर आपको इसका नेक्स्ट वीडियो में आंसर दूंगी। ठीक है, विशेष्य और विशेषण जल्दी से बता दीजिए इसमें कौन सा है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।